अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 का। इसमें ये गिवन है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल द सॉल्ट एट अ रेट ऑफ 25 kg। वो ऐसे बोलते हैं कि वो 25 रुपए kg में बेच रहा है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सॉल्ट इज ऑल्सो 25 per kg। नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ही ट्राइज टू मेक अ प्रॉफिट बाय रिमूविंग 200 फ्रॉम ईच ग्राम। ठीक है, व्हाट इज द शॉपकीपर्स गेन इन परसेंटेज। अब सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि वो सेल कितने में कर रहे हैं। वो सेल भी 25 रुपीज पर केजी में कर रहा है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है। और उससे कॉस्ट प्राइस भी जो है, जो उसकी कॉस्ट है वो भी कितनी है, वो भी 25 रुपीज पर केजी है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, तो जब भी कॉस्ट और सेल सेम होता है ना, मतलब वो बेच ऐसे कॉस्ट और सेल, उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है, तो उसमें आप क्या मेथड यूज करो, बहुत अच्छा मेथड है। एक लाइन खींचो, एक तरफ कॉस्ट प्राइस मारो और एक तरफ सेलिंग प्राइस मारो। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं देखो, ही ट्राइज, यहाँ से गिवन है, यहाँ से पढ़ना, ही ट्राइज टू मेक प्रॉफिट बाय रिमूविंग 200 ग्राम फ्रॉम 1 kg। मतलब मैं हूँ कस्टमर, मैं उसके जाता हूँ कि भाई मुझे 1 किलो दे, मैं उससे बोलूंगा 1 किलो दे, तो मुझे कितना देगा, 1 किलो देगा, मतलब जो 1000 ग्राम होता है, मैं बोलूंगा उससे कि मुझे इतना दे, लेकिन वो क्या करेगा, लेकिन वो चीटिंग करेगा, वो यहाँ पे करेगा अपनी डिसऑनेस्टी दिखाएगा और मेरे साथ करेगा चीटिंग, और रिमूव कितना करते हैं वो 200 ग्राम रिमूव करेगा, और मेरे पास आएगा कितना, मेरे पास आएगा 800 ग्राम। ठीक है, मेरे पास आएगा कितना, 800 ग्राम। ठीक है, इतना तो सिंपल सी चीज थी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये वाले क्वेश्चन कैसे करने, अपने आपको खुद को शॉपकीपर मान के, ठीक है, शॉपकीपर मान के। ये तो बहुत इजी से क्वेश्चन है, मैं बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इसे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, आपको अपने को क्या मानना है कि आप शॉपकीपर हो। अब आप शॉपकीपर हो तो आप क्या कर रहे हो, चीटिंग, और चीटिंग करके होता क्या, अपना प्रॉफिट, और प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, अब आपके पास ये दो वैल्यूज आएंगे, अब इसमें से बड़ी वाली वैल्यू कितनी, 1000, तो आप ये डाल दो अपने सेलिंग प्राइस में, और आपके छोटी वाली वैल्यू 800 वो डाल दो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में। अब इसको सॉल्व कर लो, दो जीरो कटेंगे 2 4 8 2 5 10, तो इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का हुआ, और तो प्रॉफिट का परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 25%, इसका आंसर रहेगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। मैं बोल रहा हूँ ये वाला मेथड एक बार आप समझ लो, क्योंकि इससे आप काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अप्रोच करके इजिली सॉल्व कर सकते हो, और नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है।